अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए उड़द की दाल की रेसिपी लेकर आए हैं जो काफ़ी फेमस है लखनऊ में और बहुत ही पसंद भी की जाती है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। दाल को हमने 2 घंटे ही पहले सोक कर लिया था। हमने यहाँ पर 1 कप दाल ली है और ये काफ़ी अच्छे से सोक भी हो चुकी है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 छोटे साइज के हमने प्याज ली थी, हमने इसे कट कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च बारीक हमने चॉप की है। 1 टीस्पून खटाई, आमचूर जिसे कहते हैं, और कुछ सूखे मसाले भी हमने लिए हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 8 से 10 गोल मिर्च, 2 टीस्पून जिंजर, हमने इसे बारीक क्रश किया है। कुकर में अब हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हमने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज का हम ज़्यादा कलर नहीं चेंज करेंगे, बस हम सौते करेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। अब हमारा ज़ीरा भी अच्छे से सौते हो चुका है। सूखे गरम मसाले भी हमने ऐड कर दिया है। अब हमारा ज़ीरा और प्याज अच्छे से सौते भी हो चुका है। अब हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे। दाल को हमने ऐड कर दिया है। अब हम अदरक भी डाल देंगे चॉप करी हुई। हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से सौते करेंगे। काफ़ी अच्छे से सौते हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डाल देंगे। नमक, खटाई, हरी मिर्च, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स भी हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से सौते भी हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। 1/2 कप पानी ऐड करने के बाद हम लीड लगा देंगे। 1 सीटी आने के बाद फिर मीडियम फ्लेम पे हम 5 से 6 सीटी लेंगे। दाल काफ़ी अच्छे से गल भी चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया गली है। अब हम ऊपर से तड़का लगा देंगे। तड़के में हमने 2 टेबल स्पून देसी घी लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप रिफाइंड और देसी घी दोनों मिक्स करके तड़का लगा सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देसी घी से तड़का लगाएंगी तो जाहिर है दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। 2 सूखे लाल मिर्च हम इसमें डाल देंगे और हींग। हींग हमने 2 चुटकी लिया है। अब हम दाल में ऐड कर देंगे। तो लीजिए, हमने प्लेट में से डिश आउट कर लिया है और हरी धनिया से गार्निशिंग भी कर दी है। ये दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही होगी आपको, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।